सो वेलकम स्टूडेंट। हाँ, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम से ही स्टार्ट किया था और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स के हम मिडिल पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। मतलब ये हमारा लगभग हमारे लेवल का वर्ड प्रॉब्लम्स है ना। इसको समझना पड़ेगा हमें कि हाँ क्या लिखा हुआ है और क्या पूछ रहा है वो। तो सबसे पहले हम वर्ड प्रॉब्लम्स में हमने क्या बोला था कि सबसे पहले जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, अच्छे से पढ़ेंगे उसे। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, ये उसी एक्सरसाइज का है, 1.3 का ही है, उसके आगे का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है इस बार, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि एक सीमेंट कंपनी है जो एक बैग अगर व्हाइट सीमेंट सेल करती है तो उसे कितने का प्रॉफिट होता है बच्चों, ₹8 का प्रॉफिट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर व्हाइट सीमेंट सोल्ड करती है तो ₹8 का, और जब ग्रे सीमेंट सोल्ड करती है तब ₹ कितने का, 5 का प्रॉफिट होता है। ठीक है, ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। नेक्स्ट क्या है, ये इसमें कंडीशन दे रखा है, दो सब क्वेश्चन यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन क्या है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। इट मींस ही इज आस्किंग अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, वेदर दे आर गेटिंग प्रॉफिट और लॉस। सो हेयर द प्रॉफिट इन व्हाइट सीमेंट इज ₹8 पर बैग, है ना। तो यहाँ पे कंपनी सेल कितना करता है, 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ। तो हम अभी क्वेश्चन ए को ले रहे हैं, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सोल्यूशन ए को हम देख रहे हैं। इट मीन्स द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, सो द प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट बैग, द प्रॉफिट ऑन 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट इज द प्रॉफिट ऑन 1 बैग इज ₹8। सो द प्रॉफिट ऑन 3000 बैग्स इज कितना, 8 × 3000। मतलब क्या हमने बोला कि एक बैग पे ₹8 का प्रॉफिट होता है, तो 3000 बैग पे कितना होगा, तो एक से ज्यादा का फाइंड करें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3000 × 8 कितना होता है बच्चों, ₹24,000, ₹24,000 क्या होता है, 24,000 रुपीज। ठीक है, किस पे होता है, ऑन व्हाइट सीमेंट। तो व्हाइट सीमेंट पे ऊपर पढ़ रखा है ना आपने कि क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो हमने क्या कर दिया, 8 × 3000 कर दिया, 24,000। उसके बाद उसी में एक कंडीशन दिया हुआ है, लॉस कितने का होता है बच्चों, लॉस होता है ₹5 पर बैग ऑन ग्रे सीमेंट। तो उसने ग्रे सीमेंट के बारे में भी बोला है, क्या बोला है उसने, एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो हम यहां पे कर रहे हैं, द लॉस ऑन 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इक्वल टू द लॉस ऑन 1 बैग इज ₹5। सो द लॉस ऑन 5000 बैग इज, तो 5 × 5000 कितना हो रहा है, 25,000। ठीक है, रुपीज, रुपीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा, दोनों चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है तो हम इस तरह से ही लिखते हैं, रुपीज को ऐसे लिखा है उसमें, रुपीज 24,000। ठीक है, हाँ, तो हमने एक बात की थी, जब इंटीजर स्टार्ट किया था उस समय ही हमने ये बात बोली थी कि जब भी लॉस होता है तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं माइनस का, और जब प्रॉफिट होता है तो प्लस का। तो यहां पे लॉस कौन सा हो रहा है, देखिए तो ध्यान से, लॉस हमारा कौन सा है, ये है हमारा। ठीक है, तो लॉस कितने का हुआ, 25,000, प्रॉफिट कितने का हुआ, 24,000। तो अगर हम आउट ऑफ देखेंगे, है ना, टोटल देखें कि दोनों का सेल करने पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ध्यान से देखिए तो हमारा प्रॉफिट कितने का है, 24,000 का, है ना, और लॉस कितने का है, 25,000 का। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, आप ओवरऑल देखो ना, कौन ज्यादा है, लॉस ज्यादा है या प्रॉफिट ज्यादा है, देखिए तो ध्यान से, यहाँ पे प्रॉफिट
कम है और लॉस ज्यादा है। इट मीन्स कितना ज्यादा है लॉस, मतलब 1000 क्या है ज्यादा है, हाँ। तो इसको हम लॉस क्या कैसे फाइंड करेंगे, लॉस इक्वल टू, सो हेयर ओवरऑल लॉस इक्वल टू, ओवरऑल लॉस इक्वल टू कितना होगा बच्चों, लॉस मतलब लॉस यहां पे तो ज्यादा हो रहा है, क्यों, क्योंकि 25,000 माइनस कितना 24,000, तो कितना हो रहा है 1000 रुपीज का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो आंसर में क्या आएगा रुपीज 1000 लॉस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया बच्चों। तो ऐसे ही ब्लड प्रॉब्लम्स को हमने पढ़ा, उसके बाद फाइंड किया और देखा कि ओवरऑल क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो ये तो हमारा ए हो गया। तो वो पूछ रहा था कि व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, लॉस होगा तो कितना होगा। तो प्रॉफिट तो हो ही नहीं रही थी वहां पे, पूरा लॉस ही था, कितना था 1000 रुपीज का लॉस हुआ इसमें, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बी, बी पे चलते हैं, ठीक है। तो बी को आप खुद से एक बार करके देखिए, देखिए जो आपसे हो जाए। बी ट्राई करके देखिए, बी में क्या बोल रहा है, व्हाट इज नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट बी सेल टू हैव अ नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स, ठीक है। वो बोल रहा है नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस की बात कर रहा है, मतलब ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना तो लॉस होना चाहिए। तो वो कब होगा ऐसा, जब पूरा ऐड करके जीरो आ जाए, न्यूट्रल आ जाए, मतलब जितना प्रॉफिट हुआ व्हाइट सीमेंट पे, जितना लॉस हुआ ग्रे सीमेंट पे, दोनों को अगर ऐड करें तो पूरा होल क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तभी तो न्यूट्रल होगा, तभी तो हम उसे बोलेंगे नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो इसका मतलब यही होता है। तो वर्ड को समझ के उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखना है हम वो सीख रहे हैं बच्चों अभी, ठीक है। तो ऐसे ही हमने समझा कि वो नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस की बात कर रहा था, तो मतलब ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल लॉस जीरो होना चाहिए, कुछ भी हो तो जीरो होना चाहिए। तो वही हम यहां पे कर रहे हैं। तो मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूं ये पार्ट, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, आपने क्वेश्चन लिख रखा होगा। उसके बाद यहां पे मैं देख रहा हूं कि बी में क्या है, तो बी में है हमारा व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट बी सेल टू हैव अ नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। सो वी हैव नो एनी नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स, सो लेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट इज एक्स ए बी सी डी एनीथिंग, है ना। तो बी का मैं देख रहा हूं यहां पे, सो द नंबर ऑफ, लेट द नंबर ऑफ, मतलब हमारे पास जब कुछ भी नहीं होता है लेने के लिए नंबर्स, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि वहां पे एक्स नंबर ऑफ बैग्स थे, है ना, इस तरह से हम इसमें करते हैं। तो वही मैं यहां पे कर रहा हूं, लेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट इज व्हाइट सीमेंट इक्वल टू कितना, एक्स ले रहा हूं, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट इक्वल टू एक्स, ठीक है। उसके बाद नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस की बात की है उसने, इफ द नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा था कि प्रॉफिट किस पे हो रहा है, व्हाइट सीमेंट पे ही हो रहा है, सो द प्रॉफिट ऑन, सो द प्रॉफिट ऑन एक्स नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट, एक्स नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट, ठीक है, एक्स नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट, तो कितना हो जाएगा, एक पे कितना प्रॉफिट हो रहा था, 8 रुपीज प्रॉफिट हो रहा था, तो एक्स पे कितना हो जाएगा, 8 × x हो जाएगा, है ना, 8 × x मतलब रुपीज 8x, ठीक है। ये हमारा आ गया प्रॉफिट, किस पे, व्हाइट सीमेंट बैग्स पे प्रॉफिट। उसके बाद वो किसकी बात कर रहा है, इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400, इट मीन्स द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स इज 6400, सो हेयर नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, है ना। तो अब लॉस की बात हम कर रहे हैं, द लॉस ऑन 6400 ग्रे सीमेंट बैग्स, ग्रे सीमेंट
बैग्स, तो कितना हो जाएगा? तो 6400, तो कितना है? 6400 बैग्स हैं, 6400, और उसमें कितने से? एक पे कितना लॉस हो रहा था? 5 रुपीज लॉस हो रहा था, तो 6400 इंटू 5 करेंगे, कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, है ना? 32,000 रुपीज, 32,000 रुपीज, ठीक है, हो गया यहां तक। अब किसकी बात कर रहा है वो? दे हैव नाइदर प्रॉफिट और नॉर लॉस की बात कर रहा है। तो जब भी इस तरह का कंडीशन हो, तो हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि जब नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस है, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट अगर निकालते हैं तो जीरो आएगा, या ओवरऑल लॉस निकालते हैं तो भी क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि ना तो प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। हम इसको फिर से यहां पे मैं इरेज कर रहा हूं इसे। उसने किसकी बात कही है? नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस की। तो यहां पे मैं हाईलाइट करूंगा, हेयर नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, नॉर लॉस, ठीक है। इसका मतलब एटेक्स में अगर हम 32,000 ऐसा कर देते हैं तो कितना मिलता है बच्चों? जीरो मिलता है। अब कोई बोलेगा, सर आपको कैसे पता चला कि एटेक्स ही बड़ा है ना? ये भी तो कोई बोल सकता है, ये भी तो बड़ा हो सकता है ना? तो हम क्या बोलेंगे उसे कि हमको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जीरो कब आएगा? जब दोनों में कुछ ना कुछ माइनस करेंगे तो कुछ नहीं आना चाहिए, मतलब अगर आप किसी को भी करते हो तो जीरो ही आएगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, हमें एक्स फाइंड करना है। अगर माइनस में भी आ रहा है तो उसको हम कभी भी नंबर ऑफ बैग्स माइनस में होगा ही नहीं, है ना? वो हमेशा किस में होता है? प्लस में होता है। तो आप कुछ भी करो प्लस में ही आंसर आएगा, अगर माइनस में भी आता है तो। कोई बच्चा ऐसा लिख सकता ना, इसको इधर इसको इधर, वो भी चलेगा। फिर बाद में लिख देंगे कि नंबर ऑफ बैग्स कभी माइनस में हो ही नहीं सकता है, ठीक है, इस तरह से। या फिर किसी तरह करो तो प्लस में ही आएगा। उसके बाद क्या होगा? तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। वो नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड दे दिया था, नंबर ऑफ व्हाइट बैग्स फाइंड करना था यहाँ पे। तो क्या होगा फिर? यहां से देखिए, हमने इस तरह का इक्वेशन पढ़ा था, ये माइनस में है, इक्वल के उसट जाता तो किस में हो जाता है बच्चों? प्लस में हो जाता है ना? साइन कॉन्वेंशन पढ़ा था इसके पहले, हमने बताया था पहले लेक्चर में ही, बेसिक्स बताए थे हमने उसमें। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से जाके देख लीजिए, समझ में आएगा उसे। तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, 8 इक्वल के उससे गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32,000 अपॉन 8। 8 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 8 4 जा 32, और उस पर 3 0, मतलब द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इज 4,000, है ना? फॉर नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो यहां तक तो हमने कर दिया, यही हमें फाइंड करना था। आंसर कितना आएगा? 1,000 रुपीज लॉस, ओवरऑल लॉस, एंड ऑप्शन बी का कितना आएगा आंसर? 4,000 बैग्स। तो यहां तक तो हमने देख लिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पे, है ना? नेक्स्ट भी हमारा वैसा ही है कुछ, लेकिन थोड़ा सा इजी है वो, है ना? एक तो हो गया मेरा, उसके बाद आगे का तो ऐसा ही है, ऑपरेटर्स का यूज करना है सिर्फ, वो तो मैं बताऊंगा नहीं, वो आपको खुद से ही करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं, ठीक है। तो वो है हमारा हाँ, तो इस बार एग्जाम्पल का क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम से देखेंगे लेकिन एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया, इसको मैं इरेज करता हूँ नीचे से।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इफ इन अ पार्टिकल अ शॉपकीपर अर्न्स, क्वेश्चन है अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ, तो फिर से वैसा ही है लेकिन है ना, वो आपको खुद से ही करना है। शॉपकीपर, अ शॉपकीपर, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट ऑफ रुपीज वन बाय सेलिंग वन पेन एंड इनकर्स अ लॉस ऑफ 40 पैसे, अ सेलिंग वन पेन एंड इनकर्स अ लॉस ऑफ 40 पैसे, ठीक है, इनकर्स अ लॉस ऑफ 40 पैसे पर पेंसिल, पर पेंसिल व्हाइल सेलिंग पेंसिल ऑफ हर ओल्ड स्टॉक, व्हाइल सेलिंग पेंसिल ऑफ हर ओल्ड स्टॉक, हर ओल्ड स्टॉक, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, इन अ पर्टिकुलर मंथ सी इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹5, इन दिस पीरियड सी सोल्ड 45 पेंस, हाउ मेनी पेंसिल डिड सी सेल इन दिस पीरियड। तो क्वेश्चन को पढ़ के बच्चों आप खुद से करते रहिए, है ना, देखते हैं कौन कर पाता है ना। इन अ पर्टिकुलर मंथ, इन अ पार्टिकुलर मंथ सी इनकर्स अ लॉस ऑफ, अ लॉस ऑफ ₹5, ₹5 इन दिस पीरियड, इन दिस पीरियड सी सोल्ड 45 पेंस, सी सोल्ड 45 पेंस, हाउ मेनी पेंसिल डिड सी सेल इन दिस पीरियड, हाउ मेनी पेंसिल डिड सी सेल इन दिस पीरियड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड में क्या बच्चों, हम उसको भी देख रहे हैं। नेक्स्ट है इन द नेक्स्ट मंथ, इन द नेक्स्ट मंथ, क्वेश्चन लिखने में ही बहुत टाइम लग रहा है ना। इन द नेक्स्ट मंथ सी अर्न्स नाइदर प्रॉफिट, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, नॉर लॉस। इफ सी सोल्ड 70 पेंस, हाउ मेनी पेंसिल डिड सी सेल, इफ सी सोल्ड 70 पेंस, हाउ मेनी पेंसिल, हाउ मेनी पेंसिल डिड सी सेल, ठीक है। इन द नेक्स्ट मंथ सी अर्न्स नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, इफ सी सोल्ड 70 पेंस, हाउ मेनी पेंसिल्स डिड सी सेल, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है, वो पहले जैसे हमने पहला सम किया था ना वैसा ही सम दिया हुआ है, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि वहां पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है ना, बाकी सब कुछ सेम ही है, प्रॉफिट लॉस ही है पहले की तरह। तो शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 बाय सेलिंग वन पेन, एक पेन पे ₹1 का प्रॉफिट, एंड इनकर्स अ लॉस ऑफ 40 पैसे पर पेंसिल, व्हाइल सेलिंग पेंसिल ऑफ हर ओल्ड स्टॉक, क्योंकि वो ओल्ड स्टॉक की पेंसिल सेल करती है, ठीक है, इसीलिए उसको 40 पैसे पर पेंसिल लॉस होता है।
उसने फिर से कंडीशन दो दे दिया है, एक ए में क्या है, इन अ पार्टिकल मंथ सी इनकर्स लॉस ऑफ ₹5, इन दिस पीरियड सी सोल्ड 45 पेंस, है ना। तो क्या लॉस दे रखा है, कितना रुपीज लॉस होता है, ₹5 का लॉस होता है ना। और उस पीरियड में कैसे लॉस होता है वो भी दे रखा है कि वो 45 पेन बेचती है, उसके बाद कितना पेंसिल बेची होगी कि उसे लॉस ₹5 का हो रहा है, ये फाइंड करना है। तो फिर से हम एज्यूम कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ पेंसिल इज एक्स, लेट द नंबर ऑफ पेंसिल इज एक्स, और 40 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करके एक्स फाइंड कर लेंगे, है ना। तो वो पूछ रहा है हाउ मेनी पेंसिल, तो नंबर ऑफ पेंसिल फाइंड हो जाएगा। तो आपको खुद से करना है एक बार, तो फिर से कोशिश कीजिए एक बार, है ना। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट मंथ सी अर्न्स नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, है ना, फिर से वही जीरो कर देना है। सी सोल्ड 70 पेंस, हाउ मेनी पेंसिल डिड सी सेल, ठीक है। तो ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा, है ना, करके देखिए इसे। है ना, ये ऑलरेडी वहां पे किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। नेक्स्ट है हमारा, टेम्परेचर का इस बार सम देखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर का एक सम हमने कल भी किया था, आज भी एक सम कर लेते हैं। तो इस बार है द टेम्परेचर एट 12 नून, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर का, तो ये तो आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ये हम नहीं करेंगे, ये आपको खुद से ही करना है, ठीक है। अभी नहीं होगा तो कल करके लाइए। तो थर्ड में क्या हमारा, थर्ड में है द टेम्परेचर एट 12 नून वाज द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, और क्या इवन है। नेक्स्ट, इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, इफ इट डिक्रीजेज, इफ इट डिक्रीजेज एट रेट ऑफ, इफ इट डिक्रीजेज एट रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, ऐसा क्वेश्चन भी पहले कर चुके हैं, उस समय 5 डिग्री था, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, है ना, मिडनाइट तक, अंटिल मिडनाइट, है ना। उसके बाद आगे क्या है, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, एट व्हाट टाइम टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, ठीक है, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, टेम्परेचर एट मिडनाइट, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या था, द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो पर 12 बजे कितने था, 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो था, मतलब +10 डिग्री सेल्सियस था। इफ इट डिक्रीजेज एट रेट ऑफ, तो कितने डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज कर रहा है वो, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, मतलब 2 डिग्री 1 घंटे में घटता है।
तो वो पूछ रहा है कब तक घटता है, अंटिल मिड नाइट, हाँ तो वो कब तक, मिड नाइट तक, एट वॉट टाइम द टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, वॉट वुड बी द टेम्परेचर एट मिड नाइट। ठीक है, तो आगे हम करते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसने ऑलरेडी बोल रखा है कि टेम्परेचर एट 12 नून, एट 12 नून कितना था, इसका सोल्यूशन मैं कर रहा हूं। ठीक है, एट 12 नून कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब +10 डिग्री सेल्सियस, अबव जीरो की बात कर रहा है। मतलब इसको अबव जीरो को कैसे डिनोट करते हैं, प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो +10 डिग्री सेल्सियस लिखा हमने। उसके बाद इफ इट डिक्रीजेज एट रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजेज एट रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, ठीक है, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है। ठीक है, कब तक, अंटिल मिडनाइट तक। तो मिडनाइट कितने तक होता है ना, 12 बजे को हम क्या बोलते हैं, मिडनाइट बोलते हैं। ठीक है, तो 12 नाइट तक होता है, मिडनाइट तक है ना। तो क्या है फिर, एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो है ना। तो अब यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर में है, तो एट 1 o'clock कितना हो जाएगा, एट 1 o'clock कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही घटाते जाएंगे जैसे पहले करते थे हम। एट 2 o'clock कितना हो जाएगा, दोपहर की बात कर रहा हूं मैं, तो एट 2 o'clock कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 फिर से कितना, 6 डिग्री सेल्सियस। फिर एट 3 o'clock कितना, एट 3 o'clock कितना होता है, दोपहर की बात कर रहा हूं, तो 6 माइनस 2 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद एट 4 o'clock कितना हो जाएगा, एट 4 o'clock ठीक है, एट 4 o'clock कितना हो जाएगा, फिर 4 माइनस 2 तो 2 डिग्री सेल्सियस। और फिर एट 5 o'clock, 5 o'clock कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो इफ इट डिक्रीजेज एट रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, ये भी पूछा है। तो 5 बजे शाम तक तो चले आए, कितना हो गया, 5 बजे शाम तक 0 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर। ठीक है, एट 6 o'clock, 6 o'clock कितना होगा, 6 o'clock कितना हो जाएगा, ये 0 माइनस 2 -2 डिग्री सेल्सियस। एट 7 o'clock कितना हो जाएगा, -2 -2 कितना, -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे ही बढ़ता जाएगा वो, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, फिर कितना हो जाएगा माइनस, अब एट 7 o'clock, 8 o'clock, 8 o'clock कितना हो जाएगा, ये टी है, प्लस नहीं है, टी है, ठीक है, ऐड की बात किया हूं हमने। ठीक है, तो यहाँ पे टी है वो, तो 8 o'clock पे कितना हो जाएगा, -4 -2 तो कितना, -6। इंटीजर का क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े नंबर का। ठीक है, और माइनस का मतलब टेम्परेचर अभी भी फॉल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 9 o'clock में कितना हो जाएगा, -6 -2 मतलब -8 डिग्री सेल्सियस। तो उसने पहला क्वेश्चन क्या किया था, एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, इट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ, टेम्परेचर एट 9 o'clock नाइट है ना, इवनिंग की बात कर रहा हूं मैं, है ना, शाम 9 बजे कितना हो जाएगा, टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो हो जाएगा। तो पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एट 9 o'clock, एट 9 o'clock इवनिंग। ठीक है, नाइट तो नहीं बोल सकते उसको, है ना, तो 9 o'clock तक हो जाएगा, है ना, 9 बजे शाम में, 8 बजे के बाद 9 बजे, है ना, तो उस समय कितना टेम्परेचर हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस, मतलब 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है वो, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, तो मिडनाइट कितने बजे को बोलते हैं, 12 बजे रात को बोलते हैं मिडनाइट। तो 10 बजे कितना हो जाएगा, एट 10 o'clock में फाइंड करता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। एट 10 o'clock कितना हो जाएगा,
10 o'clock। 10 बजे रात में कितना होगा टेम्परेचर, देखिए तो ये हमारा एक आंसर है, इसके लिए हमने इसको यहां पे लिख दिया हूं। एट 10 o'clock कितना होगा, -8, -2, -10 डिग्री सेल्सियस। फिर एट 11 o'clock कितना हो जाएगा, 11 बजे रात को कितना होगा टेम्परेचर, -10, -2, -12 डिग्री सेल्सियस। और मिडनाइट पे कितना हो जाएगा, मिडनाइट पे कितना हो जाएगा बच्चों, -12, -2, -14 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस बार आंसर हमारा क्या आएगा, 14 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। आंसर कितना आएगा, -14 डिग्री सेल्सियस एट मिडनाइट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर है। तो आंसर कौन कौन सा दिखेगा, एट 9 o'clock एंड -14 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने कर लिया। फिर उसी में और दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें कि एक मैं करूंगा, एक आपके लिए छोड़ूंगा। ठीक है, बड़ा वाला मैं ही कर दूंगा। एक्सरसाइज 1.4 की बात कर रहा हूं, और उसमें जो ऑपरेशन से रिलेटेड जो सम्स हैं, जैसे कि जिसमें ऑपरेटर्स से यूज करना है प्लस माइनस, वो आपको खुद से ही करना है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ईजी है, वो कोई भी कर सकता है, तो वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, उसी में एक वर्ड प्रॉब्लम से, जैसे कि एलिवेटर वाला, तो ये आपको खुद से करके देखना चाहिए। क्या है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, देखते हैं कौन कौन करते हैं। क्या है, एन एलिवेटर, एलिवेटर का सम है, एन एलिवेटर डिसेंड्स, क्वेश्चन नंबर फोर, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट। शाफ्ट मतलब पता है ना, जिसपे कोई भी पुली, पुली पुली में जो अंदर रहता है ना, जिसपे पुली घूमता है, उसको शाफ्ट बोलते हैं, है ना। तो एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट, ठीक है, छोटा सा शाफ्ट है, उसपे एलिवेटर खिसकता है ना। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, एट रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। उसके बाद इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, इफ डिसेंडिंग ऑफ एलिवेटर स्टार्ट फ्रॉम, इफ डिसेंट डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम, या डिसेंडिंग स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव ग्राउंड लेवल, अगर 10 मीटर ऊपर से, 10 मीटर ऊपर ग्राउंड लेवल से ऊपर से स्टार्ट होता है ना, अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। हाउ लॉन्ग देन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। समझ में आ रहा है, -350 मीटर का क्या मतलब होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, मतलब नीचे जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन दे रहा है वो। -350 कोई अमाउंट नहीं है ना, तो ऐसे भी डिस्टेंस को आप माइनस में ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते हो। माइनस एक प्रकार का साइन है, जो कि ये हमें दिखाता है कि हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो ग्राउंड लेवल से नीचे का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। ठीक है, वो प्लस माइनस के लिए यूज नहीं होने वाला है वो माइनस, वो माइनस सिर्फ दिखावा है कि नीचे का डिस्टेंस हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, और फिर वैसे ही रेट दे दिया है 6 मीटर पर मिनट, मतलब स्पीड दिया है, तो स्पीड का फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं आप, स्पीड बोलते हैं। तो वो फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस हमारा 350 मीटर दिया हुआ है, फिर 10 मीटर एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम खुद से इसको करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो फिर कल हम देखेंगे ही इसे। ठीक है,